गया खुल गया खुल गया। क्या खुल गया भाई? दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पूजा के शुभ अवसर पर मैरवा नगर में खुल गया सिटी मेगा मार्ट। इसमें मेंस वियर, लेडीज वियर, किड्स वियर, होम मार्ट से संबंधित सभी खरीदारी करें और हर खरीदारी पर पाएं सुनिश्चित उपहार। भलुवाही में परसों से रखी जाती है माँ दुर्गा की प्रतिमा। जीरादेई प्रखंड के भलुवाही गांव में बरसों पूर्व से ग्रामीणों द्वारा माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की जाती है। 9 दिनों तक ग्रामीणों के सहयोग से विविध कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समिति द्वारा रावण दहन का आयोजन किया गया और विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया। जीरादेई से अंकित कुमार सिंह की रिपोर्ट। इसका तो हम लोग शुरुआत किए थे 1997 में जी, और एक तरह से उत्सव मनाते हैं हम लोग जी। और सनातन धर्म में इस पर्व का बहुत ही ज्यादा महत्व है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सनातन धर्म तो हम मानना ही है हम लोग जी, विश्व का कल्याण हो जी, चाहते हैं ग्राम का। अरे यहाँ से जो बच्चे लोग बाहर पढ़ते लिख कर जो बाहर नौकरी में गए हैं उनका इसमें काफी सहयोग रहता है जी। वो लोग इस गांव के लोगों को बराबर उत्प्रेरक करते हैं, जागरूक करते हैं जी। और वो जाकर वहाँ से उनको सहयोग करते हैं और अब खाता में उसका जो भी राशि होता है आर्थिक रूप से भी सहयोग, हाँ सब सहयोग करते हैं। मन शिविर लगे रहते हैं, देश शांति हो, राज्य शांति हो, हमारा गांव शांति हो, यह सब सबका कल्याण हो यही मांगते हैं। और इस क्षेत्र में जब सिर्फ एक आध जगह पर दुर्गा पूजा की स्थापना हुई थी उसके बाद भलुवाही ग्राम में जो है शक्ति पूजा की जो है स्थापना हम लोगों ने शुरू किया की आराधना हमारे यहाँ बहुत धूमधाम से और हर एक साल इसका उल्लास जो है बच्चों में बढ़ता है। जैसे हमारे भाई साहब ने बताया गांव के बच्चे जो यहाँ से चले गए हैं उनका आप फेसबुक मीडिया पर देखिएगा तो इतने उत्साहित रूप से वो चंदा जितना कमाते हैं उससे अपने अधिक शक्ति से वो इसमें योगदान करते हैं। और भंडारा की जो बात है प्रत्येक साल भंडारा का आयोजन सप्तमी अष्टमी नवमी ये तीनों दिन लगातार और विजयादशमी के दिन आज जो है खिचड़ी का प्रसाद बना हुआ है, विसर्जन के बाद सारे लोग आएंगे और सारे लोगों में वितरित होगा। तो एक बहुत बड़ा एक जो है चंदे का जो है एक आयाम जो है हमारे यहाँ जो है इस भंडारे पर खर्च होता है। से इन 10 दिनों में हम लोग रामलीला का कार्यक्रम का बच्चों तो प्रत्येक साल कुछ न कुछ नए नए कार्यक्रम बना करके जिस तरह से बच्चों में उत्साह बढ़ता है योजनाओं को जो है बढ़ाया जाता है। अगले साल की रामलीला अगर माँ की कृपा हुई और सारे बच्चों का जो सहयोग मिलता रहा तो एक नया कार्यक्रम रामलीला जोड़ने जा रहे हैं जो 10 दिन चलेगा और 10वें दिन रावण वध का।